ये कुछ देसी कलाकार है और ये लोग पारिवारिक कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड जो है खनिज संपदाओं से भरा है, लेकिन झारखंड जो है कलाकारों से भी भरा हुआ है। लगा एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे झारखंड से निकले हैं, फुटबॉलर निकले हैं, क्रिकेटर निकले हैं, मतलब हर फील्ड में लोग यहाँ से आगे आ रहे हैं। तो मेरे पीछे देख लीजिए, बहुत सारे कलाकार हैं और ये लोग खोरठा में कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग कैसा वीडियो बनाते हैं, किस टाइप का कॉमेडी करते हैं, क्योंकि कॉमेडी में आजकल ज्यादातर फुहड़ता होती है। लेकिन जैसा कि ये लोग से बात किए, बताया कि हम लोग जो है पारिवारिक कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जो आप माता बहन, भाई बहन, बाल बच्चा किसी के साथ भी बैठ के इंजॉय कर सकते हैं और दम भर के ठहाके लगा सकते हैं और अपने गम को भुला सकते हैं। तो आप सभी को मेरा जोहार और नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए दादा कि आप लोग किस प्रकार का वीडियो बनाते हैं और कौन से चैनल पर रिलीज करते हैं? देखिए, हम लोग झारखंडी कॉमेडी बनाते हैं एक पारिवारिक रूप में। जैसे हम लोग एक जनता को, जैसे हम लोग हंसाते भी हैं और हम लोग भी अपना टीम में मस्त रहते हैं। अच्छा, जनता को भी हंसाते हैं और खूब भी हंसते रहते हैं। हम लोग भी हंसते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकुमार दास। राजकुमार दास जी, चैनल का नाम क्या है जिस पर रिलीज करते हैं? मेरा चैनल का नाम है जटला झारखंडी खोरठा कॉमेडी। अरे, जटला झारखंडी खोरठा कॉमेडी, बाप रे बाप, नाम तो बड़ा यूनिक है। जी जी हाँ। क्योंकि जटला झारखंडी इसलिए हम लोग रखे क्योंकि अभी कई वर्षों के पहले हम लोग एक जटला मतला का कॉमेडी बनाए थे जी। तो उस कॉमेडी का नाम था दुर्पिया पुजारी। अच्छा। पहले एल्बम चलता था ना, गोल गोल कैसेट वाला चलता था, तो उसका नाम था दुर्पिया पुजारी। और उसका लेखककार हमारा जो नी खोरठा कॉमेडी का ओनर्स है नरेश कुमार, वही लिखे थे। अच्छा। और उसमें हम जटला का रोल निभाए थे। जटला का रोल निभाए थे, तो कुछ फेमस जो डायलॉग होगा जरा दर्शकों को सुना दीजिए जी। उसमें था जैसे मतला आता हमको चलाता है गाय गोरखी करने के लिए, तो मतला बोलता है चल रे जटला बेला खोल रे, तो हम बोलते हैं अब ये मतला हमरो खोल दे अब यो। उसके बाद हम लोग बैल चराने जाते हैं, उसके बाद बैल चराते हैं, कुछ दिन तक गोरखी करते हैं, उसके बाद मेरा घर वाला मेरा माँ भेज देती है कलकत्ता। अच्छा। मेरा जीजा जी के साथ है कमाने, तो कमा के रहते हैं। तो उस समय हम नया नया जींस पहन के रहते हैं, जूता पहनते हैं और उसके बाद चश्मा लगाते हैं और उसके बाद गाड़ी से उतरते हैं। तब मेरा जो साथी दोस्त है मतला, वो गोरखी करता है, अचानक हमको देखता है तो चकमका जाता है, बोले अरे बड़ी जीत जा, पूरा झकास नया जूता, नया चश्मा, नया जींस, लागू हमर जटला लागे। अरे तब वो दौड़ के आता है मेरा पास, अरे हमर जटला लागी। तो उस समय होता है क्या, हम उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। हम बोलते हैं ऐ हटो, हम तुमको नहीं पहचानते हैं, जान नहीं पहचान बन गया तुम मेरा मेहमान, इस तरह से उसको बोलते हैं, चलो हटो। तो वो जो होता है पूरा रोने लगता है, नाराज हो जाता है, बोल देखी अभी कमा के एला और हमरा पहचाने से इनकार कर दल का, बोल बेमान हो गए इन बाबू आ गोरखिया में, तब हम तोरा बतेबो, चार दिन रुपयवा रहतो और झेर जीतो तब तोरा बुझा देबो, इस तरह से उसमें डायलॉग और फेमस काफी हुआ। ये बताइए कि आप लोग, देखिए दो सिस्टर भी हैं, दो दो चार दो छः आठ नौ, तो आप लोग सभी लोगों का अलग अलग चैनल है? जी हाँ, सभी लोग अलग चैनल। आप किस चैनल पे काम करते हैं? सबसे पहले भोकाल टीवी की को मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से धन्यवाद, जोहार झारखंड। मेरा नाम विजय कुमार पंडित, मैं झारखंड से गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ और झारखंड में, झारखंड के चार डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग, इन चार डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले शुरुआत कॉमेडी का हम ही किए थे और वो कॉमेडी आज मेरा 6 मिलियन प्लस चल चुका है जी। और उसमें मेरा एक उसमें राइटर हमी थे और डायरेक्टर मेरा थे प्रभाकर पांडे, जो झारखंड में शुरुआत किए थे हाइस गेने की पार्ट 1, 2, 3। तो उसमें मेरा एक डायलॉग था, आप लोग सुनना चाहते हैं? जाना है गौरी जब तक तोरा देखियो नंगे,
तब तक हमरा चैन नहीं लगो, बेचैन लगो हम, और रात भर फेचवे नहीं और टुकुर टुकुर देखते रह जाइयो। इतना तोर से प्यार करिए गोरी, आगे गोरी तुम हमसे प्यार करो इनके, तू कहती है नहीं हम तोर से प्यार नहीं करियो, तू इस सब लड़की के चक्कर में नहीं रहो, माँ बाप पैदा किया है तो पढ़ो लिखो और कुछ करो, इस सब लड़की के चक्कर में पढ़कर अपने माँ बाप का सपना भविष्य और अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अच्छा ये बताइए दादा कि जैसे ये तो आप कॉमेडी करते हैं, कुछ बॉलीवुड के जैसे कलाकार होते हैं जिसका बड़ा मिमिक्री फेमस होता है, इसी का करते हैं क्या? जी हाँ करते हैं। किसका किसका? देखिए बिल्ली का भी करते हैं और बिल्ली का, जी हाँ बिल्ली का, कुत्ते का, कुत्ता जो दूर रहता है उसमें आवाज कैसा निकलता है, कैसा निकलता है, और सामने आता है तो कैसा निकलता है, जब दोनों जब टकराता है तो कैसा निकलता है। अरे ये तो बहुत खतरनाक टैलेंट है, जरा सुनाइए दादा। और भी बता रहे फिर घोड़े का, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन और राजकुमार, वाह, और शाहरुख खान, नाने पाटेकर, शाहरुख खान। चलिए सबसे पहले आप ही से सुनेंगे, बाद में कुछ करेंगे, जो फेवरेट बता दिए, थोड़ा सा दादा साइड दीजिएगा। हाँ चलिए, तो एक मिनट बता दें कि ये पंडित जी हैं और ये जो है बहुत ही ज्यादा चर्चित है हमारे झारखंड में, खोरठा कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और इनकी कलाकारी देख के आप इनके कायल हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो पंडित जी जरा कलाकारी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। और आपसे दो मिनट टाइम लेना। हाँ बिल्कुल, चार मिनट का टाइम लीजिए आप। अगर मुझे मौका मिले तो बॉलीवुड में हम एक से एक स्टोरी लिख कर देंगे। वाह, मेरे पास राइटर भी है। मेरे पास काबिलियत है। अभी देखते हैं बॉलीवुड में कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री स्टोरी नहीं रहने के कारण पार्ट वन टू थ्री करता है, लेकिन हम ऐसे ऐसे स्टोरी लिख कर देंगे जो किसी भी फिल्म में टच नहीं करेंगे। वाह, और नाम अलग टाइटल से जोड़ेगा, अभी तक कोई भी हिंदी फिल्म ऐसा टाइटल नहीं आया, वैसा टाइटल नहीं। जी चलिए पहले सुना दीजिए, उसके बाद हम उसके पास आएंगे। चलिए कुत्ते का सुनाता हूँ। हाँ, दूर रहता है। हाँ, कुत्ता दूर रहता है तो कैसे करता है, बोलता है, सुनिएगा। सामने आता है कुछ, दोनों के बीच में दोनों बीच जब लड़ जाता है कुत्ता का हो गया। अरे बड़ा खतरनाक था। अमित नाना पटकर यार देखा मौत का तमाशा देखने के लिए आओ, आओ, पिल्ले आओ, देखो मेरी जीव निकल जाएगी, मैं फांसी में लटक जाऊंगा, तुम लोग देखोगे, हंसोगे और घर चले जाओगे। नाना पाटेकर का, अमिताभ और धर्मेंद्र का, शोले का डायलॉग बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो शोले में जो अमिताभ बच्चन सॉरी धर्मेंद्र जो चढ़ता है वसंती मनाने के लिए, तो क्या कहता है, मैं कुछ जाऊंगा जब दे दूंगा मर जाऊंगा, ये बुढ़िया मौसी मेरे शादी करने से इनकार कर देती है, मैं कुछ जाऊंगा भाग जाऊंगा। उसके बाद बसंती जाती है अमिताभ बच्चन के पास, वो कहती है कि आपका दोस्त ऊपर चढ़ कर जान देने के लिए देना चाह रहा है, कूद जाएगा, आप उनको जाके बचा लीजिए। तो वो कहता है नहीं, और जब उसका सरक दाल उतरेगा तो भी बचेगा। अच्छा अमिताभ बच्चन ही होता है। वाह, तो वहां से चले जाते हैं। फिर जब बसंती को किडनैप करके जब वो गब्बर ले जाता है तो कहता है मत नचना बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नचना बसंती। तो दर्शक लोग को क्या था, हैं क्यों नहीं नाचेगी, हम पैसा दिए, मेरा हाथ कल कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उसका गब्बर देखिए आवाज करता है गब्बर। जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को जब मारने के लिए दो गुंडे विलेन को भेजते हैं तो दोनों के बीच जब वो हार जाता है तो जब वापस आ जाता है खाली हाथ तो कहता है अरे ओ गब्बर सॉरी अरे ओ शाम्बा खाली हाथ आया रे। नहीं सरदार, कितने आदमी थे रे, कितने आदमी थे सरदार, दो आदमी,
दो आदमी, सिर्फ दो, फिर भी खाली हाथ रे। तूने क्या समझा? गबर बहुत खुश होगा रे, इसका सजा तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा, भरपूर मिलेगा रे। नहीं सरदार, मैंने आपका नमक और मेरा गोली खा रे। ताली बजाइए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोल। ये तो आपने निकाल दिया नाना पाटेकर का, अमिताभ बच्चन का, गब्बर का, धर्मेंद्र